आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश के मुख्य समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध नगर की दनकौर पुलिस ने ऐसे दो लोगों को पकड़ा है जो गैंगस्टर में वांछित थे। यह लोग गाड़ियों में से डीजल चोरी का काम करते हैं। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि हम यहाँ ट्रकों से डीजल चोरी करने के लिए रैकी करने आए थे और हमारे गैंग के अन्य सदस्य भी आने वाले हैं जिनका वह इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर दनकौर की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इन्होंने अपने दो वांछित जिनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इनफैक्ट ये दोनों जो मुलजिम हैं ये सातिर पेट्रोल चोरी और लूट के मुलजिम हैं। इन लोगों ने हाईवेज़ पे काफ़ी वारदातें की हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों की टीम के द्वारा पेट्रोल लूट की गई थी जिसमें इन लोगों को जेल भेजा गया था और उनके ऊपर फिर गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ। गैंगस्टर में ये लोग वांटेड थे, इनके ऊपर इनाम था, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके बाकी मेंबर्स भी हैं और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही शातिर गैंग है जो इस पूरे एनसीआर के सारे हाईवेज़ को अपना निशाना बनाता है। इसमें ये लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो ढाबे वगैरह पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उससे पेट्रोल चोरी भी कर लेते हैं और अगर किसी ने कहीं विरोध किया तो उनके ऊपर ही बल प्रयोग भी करते थे, लूट भी करते थे, चोरी भी करते थे। इस प्रकार ये गैंग काफ़ी एक्टिव है और इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इस गैंग को हम लोगों ने नैब करने में सफलता प्राप्त की। तो भी शामिल इस गैंग के मेंबर्स कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ बाहर भी हैं, उनको हम ग्रेजुअली अरेस्ट कर रहे हैं। इनके खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं। पहले जो लूट के मुकदमे जेल गए थे मुकदमे भी हैं और जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा हम लोगों ने इम्पोज किया था इनके ऊपर उसमें भी वांछित चल रहे थे।